Greetings, हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है, क्या राज है जो आपसे छुपा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा टॉपिक और हम करने वाले हैं रीडिंग। हमने लिए हैं तीन ऑब्जेक्ट, टैरो है, रिलेशनशिप ओरेकल और ये थर्ड ओरेकल। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे, तो रखते हैं थोड़ा साइड में एंड शुरुआत करते हैं सबसे पहले टैरो से। ठीक है, देखते हैं टैरो से आज हमें क्या इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिलती है। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, जैसे हम अपलोड करते रहते हैं वीडियो एंड कई बार आप वीडियो मिस भी कर सकते हैं, सो थिंक अबाउट इट। चलो, तो भी यहाँ पे कुछ कार्ड्स तो हमने लिए हैं, देखते हैं और हमें क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। चलो, तो ऐसे कौन से राज हैं जो आपसे छुपाया जा रहा है। पहला एक कार्ड आ गया है स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो साइन। ठीक है, यानी कि सिंह राशि जो कि अग्नि राशि है। अगर हम इसकी बात करें तो मे बी ये पर्सन जो है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ आपको नहीं बता रहा है। अब फुल स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, मे बी ऐसा है कि कहीं ना कहीं पे ये पर्सन जो है या तो इसने अपनी सैलरी आपको नहीं बताई है, या फिर कितना पावरफुल है, कितना इन्फ्लुएंस है इस पर्सन का, कितने सारे दोस्त हैं, कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल है इस पर्सन का, कितने लोग इसको जानते हैं, ये उसने आपसे छुपाया है। या फिर ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं पे कि इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अभी जिस पोजीशन पे काम कर रहा है उससे बेहतर पोजीशन पे ये शिफ्ट हो सकता है, लेकिन शायद किसी मजबूर के कारण या फिर किसी वजह के कारण ये ऐसा नहीं कर रहा है। मे बी शायद वो नहीं चाहता कि कहीं दूसरी जगह पे ये शिफ्ट हो जाए या फिर उसे ये जगह छोड़नी पड़े, और इसीलिए जो जॉब इसे अभी मिला है उसी में ये समाधानी है। सेकेंडली, अगर ये आपको एज अ योर फ्रेंड पसंद करता है, मे बी आप भी इसको पसंद करते, तो मे बी ये एज अ लवर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, लेकिन शायद ये आपसे अब तक इसने बात छुपाई रखी है। सो अगर ये आपका क्रश है, हो सकता है कि उसको भी आपके ऊपर क्रश है, एंड दैट इज़ द मेन थिंग। तो ये बात आप यहाँ पे समझ सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है वो है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा निर्णय लेने में हिचकिचाता है। ठीक है, यानी कि भाई कहीं ना कहीं पे इसको लगता है कि इसके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है, प्रभाव जो है, वो लोगों का तो है ही, लेकिन साथ में नसीब का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और आई थिंक नसीब को बहुत मानता है, या फिर जो अल्टरनेट हीलिंग थेरेपीज है इसके ऊपर बिलीव करता है, कुंडली मैचिंग पे भी शायद ये बिलीव करता है, एंड इसीलिए शायद उसे जब तक नहीं लगता कि स्पेसिफिक वो मोमेंट या स्पेसिफिक वो दिन आ गया है जब उसे यू नो नेक्स्ट मूव करना चाहिए, तब तक शायद वो अपने आप को रोक कर रखेगा। कई लोग ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक दिन का वेट करते हैं, है ना, एंड आई थिंक ये पर्सन उन्हीं में से एक हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लीब्रा, एक्वेरियस। आई थिंक ये जो अपनी फीलिंग्स हैं या अपनी इच्छाएं हैं वो ज़्यादातर छुपा के रखता है, बहुत फील करता है आपके बारे में, आपसे कनेक्ट भी करना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पे भी मिस्टीरियस तरीके से बिहेव करता है। शायद ये आपका सीक्रेट क्रश हो सकता है, या फिर आपको बहुत चाहता है। मे बी अगर ये बात अगर हम कुछ महीने पहले की भी देखें तो हो सकता है कि कुछ महीने पहले तक आपको नहीं पता था कि ये पर्सन आपको इतना प्यार करता है, एंड फिर मे बी आपने खुद एफर्ट्स लिया, फिर आपने समझा, जाना, यू नो कि भाई हाँ, ऑब्जर्व किया कि ये भी मुझसे प्यार कर रहा है, तब जाकर शायद इन्होंने आपको अपनी दिल की बात बता दी होगी। नेक्स्ट कार्ड है वो है फोर ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, साज। आई थिंक ये पर्सन सीक्रेटली आपके लिए कमिटमेंट के बारे में, एंगेजमेंट के बारे में, या शादी के लिए भी तैयारी कर सकता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना जिनको सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है, जैसे कि कैसे लोग प्रपोज़ करते हैं कि भाई रिंग जो है वो डाल दी ग्लास में, या फिर यू नो कह दे कि भाई देखो यहाँ पे इसमें क्या है, एंड फिर बता दे कि देखो ये तो रिंग है। सो कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात जो है वो आपके सामने रख सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनके फैमिली से कुछ इश्यूज़ हैं, तो अगर वो इश्यूज सॉल्व भी हुए हैं तो अब तक शायद उन्होंने आपको अपडेट नहीं किया है, एंड सरप्राइजिंगली जिस वक्त आपको हैरानी होगी ऐसे पल में आपको बताना पसंद कर सकते हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर हम इस कार्ड की तरफ देखें तो मे बी ये बहुत ज़्यादा चंचल स्वभाव के हो सकते हैं एंड बहुत ज़्यादा उतावले हैं, लेकिन शायद अपना ये जो स्वभाव है ये उन्होंने अब तक आपके सामने
प्रस्तुत नहीं किया है। वजह बहुत सारी हो सकती है, बट मे बी ये बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत फास्ट है, तुरंत एक्शन भी ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसी चीज़ों के लिए वो शुरू नहीं करते या फिर ऐसी चीज़ें नहीं करते। थ्री ऑफ वांड्स एरीज लिए शार्ज, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेशेंस दिखा सकता है आपके लिए, लेकिन शायद ऐसा हो नहीं सकता। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो सिर्फ आपके लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी में उनकी आदत डाल दी। जैसे कुछ लोग जो होते हैं, मान लो इन्होंने अपना अगर डाइट है वो बदल दिया है, या फिर आपके लिए अगर जिम जाना शुरू किया है, आपके लिए सेहत बनाना शुरू किया है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो सिर्फ आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता था कि ये ऐसा है या फिर नहीं है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो वो अपने आप में सुधार लाना चाहते हैं। द चैरियट कैंसर कर्क राशि, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सोचता है, ओवर थिंकिंग की एक हैबिट इनको हो सकती है कि भाई आपका जवाब क्या होगा, हाँ होगा या ना होगा। मान लो अगर इन्होंने कहा कि भाई आप ये इस जगह पे मिलो तो आप कैसे मिलोगे, या फिर आप एग्जैक्टली कौन सी बात करोगे। अगर रोमांस की बात करते हैं तो रोमांटिकली आपकी फीलिंग्स क्या हो सकती हैं, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हो सकते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसमें सकारात्मक भाव और नकारात्मक दोनों ही आते हैं। इसी कारण आई थिंक कई बार जो है ये सोचने में अपनी ऊर्जा वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है सिक्स ऑफ वांड्स एरीज लियो सांझ। भाई इनके लिए आपका दिल जीतना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एंड मे बी बहुत पहले आपने ही इनका दिल जीत लिया था, बट आई थिंक ये अब तक शायद उन्होंने आपको नहीं बताया है, तो ये एक रीज़न हो सकता है कि क्या उन्होंने आपसे छुपाया रखा है, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं कि भाई इस ओरेकल से हमें क्या और अंडरस्टैंडिंग मिलती है, चलो देखते हैं, ठीक है। एक दो कार्ड्स और ले लेते हैं हम, चलो आ गया, दैट्स इट। एंड अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। देखो भाई जो पहला कार्ड है वो है इनर स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड, ओके ई कार्ड आ गया। तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है उसको लगता है कि भाई ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने आप में वो बदलाव कर सकता है, जैसे कि हमने टैरो में देखा बिल्कुल वही बात यहाँ पे आ गई है। सेकेंड जो है वो डीलिंग ऑफ प्लान्स, इसके प्लान्स जो है वो डीले होते रहते हैं, ठीक है। अब आप इसे एक नसीब का हिस्सा समझे या फिर यू नो ये शुरू तो जल्दी करते हैं किसी भी काम को, लेकिन उसे पूर्णता होने में समय लगता है, तो वो एक चीज़ आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है फ्रूशन, इनको बहुत जल्दी होती है कि जल्द से जल्द इनको नतीजे पे पहुँचना होता है, और ये जल्दबाजी कई बार इनको लेट डूबती है, तो वो चीज़ होती है कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी करते हैं या फिर हड़बड़ी भी करते हैं, या फिर अचानक से जो बात नहीं बोलनी वो भी बोल देते, हालांकि उनका वो मतलब नहीं रहता, बट कभी ना कभी ऐसी गलती वो कर बैठते हैं। ओवर फ्लोइंग ऑफ लव, जब प्यार दिखाना होता है तो शायद इतना प्यार दिखाते हैं कि आप खुद कह सकते कि भाई क्या कर रहे हो आप। जैसे कि मान लो अगर आप सारे फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर्स हो, सबके सामने इतना प्यार का दिखावा कि आप ही खुद शर्म से पानी पानी हो सकता है कि ये तो आप दोनों के बीच की बात है, सबके सामने ये बिहेव क्यों करना। लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। यू हैव डन ऑल यू कैन, कहीं ना कहीं आई थिंक ये अपने एफर्ट्स बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, सामने वाला क्या सोचता है या फिर उसकी क्या सोच है ये ना जानते हुए, मतलब कि आप का इनिशियली इनके बारे में क्या ख्याल था, क्या आप अभी इनके प्यार में डूबे थे या फिर आपका कोई पास्ट था, या फिर आप रेडी भी हो यू नो किसी के साथ रिलेशनशिप में पढ़ने के लिए। आई थिंक ये ना सोचती हुई इस पर्सन ने बहुत सारे एफर्ट्स ले लिए, तो वो एक चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है सेलिब्रेशन, हमेशा सेलिब्रेशन करने की जल्दबाजी इनको होती है, ओके और इसलिए सामने वाला पर्सन रेडी है नहीं है, क्या उसकी खुद की कोई सेलिब्रेशंस है। जैसे कि मान लो आपकी शादी हो चुकी है और दोनों फैमिलीज अलग अलग है, दोनों के कल्चर अलग अलग है, ये अगर सिर्फ एक ही कल्चर की तरफ से अगर सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो यू नो आप खुद समझ सकते हो। नेक्स्ट कार्ड है चैलेंज, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे चैलेंजेस का ये सामना करते रहते हैं, चाहे अपने ऑफिस में हो या पर्सनल लाइफ में हो, लेकिन शायद ज़्यादातर ये खुद ही डील करते हैं या फिर जो अपने फ्रेंड्स हैं उनसे बात करते हैं, लेकिन आपसे वो बातें छुपा के रखते हैं, ठीक है। अब फाइनली हम देखते हैं जो थर्ड ओरेकल हमने ली थी ताकि रीडिंग कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलो ये एक कार्ड आ गया एंड दैट इज़ लॉस्ट, ठीक है।
कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन एक मोमेंट आ गया था जब वो यू नो जिंदगी जीना ही भूल चुके थे या फिर खुद के ऊपर से इनका भरोसा उड़ गया था, लेकिन शायद उस पल के बारे में आपसे बात नहीं करते। सेकंड जो है, काफ़ी बार आप दोनों के बीच डिसएग्रीमेंट होती रहती हैं, लेकिन सिर्फ आप गुस्सा होंगे या फिर चिढ़ेंगे, इसलिए ये इसके बारे में आपसे बातचीत नहीं करते। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिला है वो है डाउट। तो काफ़ी सारी वजह है या फिर काफ़ी टाइम ये व्यक्ति डाउट लेते रहता है। ओके, मे बी जानबूझ के नहीं करता, लेकिन कई लोगों की आदत होती है, ठीक है, जैसे कि चाय अगर देर से आ गई तो क्यों आ गई, या फिर किसी ने कुछ मिलाया तो नहीं, या फिर आप मान लो लेट मिल गया, फिर आपने उनका फ़ोन नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया, आप किससे बात कर रहे हैं, तो ऐसे कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं। बट फिर मन में क्वेश्चन आते हैं कि ऐसा ये इस पर्सन ने क्यों पूछा, क्या मैं ट्रस्ट करता या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी मजबूरी होती है, उनका स्वभाव ही होता है, ठीक है, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड सेकेंडली भी ग्रेस जो यहाँ पे कार्ड आया, कहीं ना कहीं बहुत कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत करते हो अपने ऊपर, एंड हमेशा खूबसूरत दिखना, यू नो सबके सामने चमकना, तो एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे मैं भी ये आपको भी घसीट के ले जाता है कि चलो भाई पार्टी में जाना है, एंजॉय करना है, सबके सामने बेस्ट परफॉर्म करना है, बट मे बी अगर आप उसके लिए रेडी नहीं हो तो ये एक खामियाजा इनका हो सकता है, ठीक है। इनमें भी ये आपको नहीं बता रहा है कि ये एक चीज़ है। नेक्स्ट कार्ड है वो है ग्रो। ये हमेशा चाहता है कि भाई आप जो हैं या आपका जो दर्जा है सबसे ऊँचा हो, सोसाइटी में सब लोग आपको अच्छा कहे एंड सब लोगों की नज़रें आपकी तरफ ही रहे, तो एक चीज़ यहाँ पे रहती है, यू नो बेस्ट ब्रांड्स के कपड़े खरीदना या फिर आपके लिए सब कुछ बेस्ट करना। बट कहीं ना कहीं अगर आप इसके लिए डिसएग्री हो तो ये आपको समझा पाना इनके लिए फिर डिफ़िकल्ट बन जाता है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पावर कपल। मे भी आपको बताते नहीं हैं बट ये चीज़ अपने मन में ही रखते हैं कि इनको सबके सामने एक पावर कपल दिखना है, मतलब कि आपके जैसी जोड़ी और कहीं पर भी नहीं है, और यही वो सबके सामने कहना चाहते हैं। और मे भी अगर आपको अब तक नहीं कहा है और आप इस क्वेश्चन के तलाश में थे इसके जवाब की भी क्यों ऐसा कर रहे, तो शायद ये जवाब आपको फाइनली मिल चुका है। सो इट आज का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।